नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभिप्सा की पूरी टीम की तरफ से। मैं हूं अभिनव दोशांशु पांडे और हमारी बात चल रही थी पूर्व के प्रश्न पत्रों की, विषय कौन सा था, टॉपिक कौन सा था, ये सारी चीजों की बात करेंगे। लेकिन आइए पहले देखते हैं कि यहाँ कक्षा बारहवीं के लिए भौतिकी की एग्जाम सीरीज चल रही है, जिसे आपको पढ़ाने वाले व्यक्ति का नाम है अभिनव दोशांशु पांडे। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्ट में न सिर्फ बारहवीं के लिए बल्कि क्लास दसवीं के लिए, यानी कि सारे बोर्ड के लिए हम लोगों ने तैयारियां खोल के रखी हैं। आपका काम है कि हमसे लगातार जुड़े रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है आपकी तैयारी कहीं मिस ना हो जाए। हर रोज अपडेट आएंगे और कई बार आएंगे, आपको बिल्कुल तत्पर रहना है, तैयार रहना है। इसके अलावा यदि आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपको एप्लीकेशन में कुछ विशेष सुविधाएं भी मिलेंगी। तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर के ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और हमारा मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करें। अब हम आगे बात क्या करेंगे भाई, हम लोग पीवाईक्यू की बात कर रहे थे। हम लोगों ने ऑलरेडी जो है एक प्रश्न जो है यहाँ पर डिस्कस किया होगा, आपको पिछला वीडियो याद होगा तो आप ये देख रहे होंगे। आप यहाँ पर जो है हम लोगों ने अनुगमन मेट के बारे में बातें की हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस की। हम लोगों ने करंट के लिए तीन तीन फॉर्मूलाज जो है डिस्कस कर लिए और अब जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये छत्तीसगढ़ परीक्षा में जो है 2006 में भी पूछा गया, 7 में भी पूछा गया और उसके बाद में ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो है यहाँ पर बात क्या आती है कि आप इसका उपयोग करके अपनी तैयारी को एक और पुष्टि दे सकते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत उपयोग करेंगे और ओम के नियम का स्थापना करेंगे, या फिर जो एक चालक के विशिष्ट प्रतिरोध हेतु मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व शांति काल के पदों में व्यंजक व्यक्त कीजिए। हम लोगों को प्रश्न समझ में आ गया, अब हमें उत्तर देना है। उत्तर देने के लिए जो पहले से जानकारी हमारे दिमाग में होनी चाहिए थी, अगर आप जो तैयारी कर रहे हैं, पिछला वीडियो नहीं देखा तो देखो भाई, और अगर देख चुके हैं तो आपको याद होगा कि हमारे पास में करंट के लिए I is equal to NeAvD और उसके बाद में I का मान Ne का वर्ग Ae जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है tau बटा Me, और यहां पर I का मान Ne का वर्ग AvD tau बटा Me गुणा L है। अब ये जो जानकारी है ना, इससे जो है हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सूत्र निकाल सकते हैं, किसका भाई, जो ओम्स के नियम का सत्यापन कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत यहाँ से करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो है हमें ज्ञात है ठीक है भाई, क्या है, ज्ञात है, तो लिख लेते हैं ज्ञात है। और क्या क्या ज्ञात है, पहला है कि अनुगमन वेग, अब आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है, ये अनुगमन वेग है और अनुगमन का वेग का मान क्या है, एन ई ए और यहाँ पर होता है बी डी। ये जो है, अब जब आप अपना उत्तर 5 अंक पाने के लिए लिख रहे होंगे तो आप अपने एग्जामिनर को बिल्कुल ऐसा व्यक्ति समझिए जो कुछ नहीं जानता, तो उसे आपको हर एक बात बतानी पड़ेगी। इसलिए फिर जो है आप इस लिस्ट में जो है नाम लिखेंगे कि वीडी क्या होता है भाई, वी जो है वी जैसा नहीं लिख रहा है, वीडी क्या होता है पहले ये बताएंगे कि अनुगमन वेग है, एन क्या है प्रति एकांक आवेशों का, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है आवेश इलेक्ट्रॉन का, ए क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। ये सारी चीजें बताने के बाद में यहाँ पर वीडी नहीं होगा भैया, यहाँ पर होगा आई, ठीक है, आई बराबर एन ई ए वी डी। उसके बाद में जो है फिर अगली चीज जो हम यहाँ पर बता सकते हैं हमारे एग्जामिनर को, ये है कि ये जो वीडी होता है, वीडी का सूत्र होता है ऋण ई गुणा ई बटा एम ई और गुणा टाउ, ये जानकारी। और उसके बाद में यहाँ फिर जो है आप एक और बात बताएंगे, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई का मतलब क्या है। फिर हम बताएंगे कि कैपिटल वी बटा एल बराबर ई, ये क्या है, ये है विभव प्रवणता, प्रवणता, विभव प्रवणता बताएंगे। और यहां से आप बताएंगे कि ई का मान होता है, हाँ तो ये E का मान आपको पता चल गया है ना भाई, तो ये वाला E का मान जो है आप जब यहां लगाएंगे तो आप जो है फिर बता पाएंगे कि VD क्या है, ये अनुगमन वेग है बराबर ऋण E गुणा कैपिटल V क्या है, विभव है, विद्युत विभव है, और बटा L गुणा एम ई और गुणा शांति काल टाउ। आपको यहां पर जो है टाउ क्या है ये भी बताना पड़ेगा कि टाउ क्या है।
अब जब शांति काल के बारे में आप बता चुके हैं, विद्युत विभव के बारे में बता चुके हैं, तो फिर ये जानकारी आप यहाँ डाल देंगे और आई का मान क्या हो जाएगा, आई का मान हो जाएगा एन ई ए गुणा ई कैपिटल वी बटा एल एम ई और गुणा शांति काल टाउ। उसके बाद में जो है आपने एक बात और बताना है, और ओम का नियम क्या है, ओम का नियम है V is proportional to I, या फिर आप बोल सकते हैं V गुणा V बराबर I गुणा R, या आप बोल सकते हैं V बटा I बराबर R, और ये एक क्या है, नियतांक है। अब जब यहां तक की जानकारी आपने दे ही दी है, तो आप यहां देखेंगे कि ये I दिखाई दे रहा है हमको और यहां V भी दिखाई दे रहा है, तो हम जो है पहले सूत्र अच्छे से लिख लेते हैं। I बराबर देखिए एन ई का वर्ग, एन ई का वर्ग गुणा ए टाउ गुणा ए टाउ, ठीक है, और बटा एल गुणा एम ई, और यहां पर है वी। देखिए दोबारा देखते हैं, एन ये हो गया ई का वर्ग ए और वी, एन ई का वर्ग ए और ये वी, और ये टाउ यहां आ गया, और बटा एल गुणा एम ई। हमको V by I निकालना है, तो हम लिखेंगे V बटा I बराबर, अब देखिए ये I इधर आ जाएगा तो ये उधर चला जाएगा, और यहां हो जाएगा L गुणा एम ई पूरे का बटा एन ई का वर्ग A। इसको जो है थोड़ा अच्छे से लिखते हैं क्योंकि हमको इसको उपयोग करना है A, और यहां हो जाएगा एन ई का वर्ग, एन ई का वर्ग A, और ये हो जाएगा टाउ। ये जो है V by I का मान हो गया, और ये जो है एक नियतांक है। कैसे नियतांक है थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये जो L है ये लंबाई है चालक की, ये नहीं बदलेगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नियतांक है। क्रॉस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हम लोगों ने जो चालक लिया है, जो तार लिया है, वो नहीं बदलने वाला है। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये चालक के पदार्थ का गुण है, ये नहीं बदलेगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश ये नहीं बदलेगा, और अगर हम तापमान को ना बदलें तो ये टाउ मतलब शांति काल भी नहीं बदलेगा। तो यहां पर जो है ओम के नियम का जो है शर्त क्या है कि स्थिर तापमान ना, तो स्थिर तापमान के कारण, स्थिर तापमान के कारण, स्थिर तापमान के कारण जो टाउ होता है, शांति काल होता है, वो अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो यहां तक की बात हम लोगों ने समझ ली। अब जो है आपसे कोई पूछेगा कि R का मान बताओ, क्योंकि यहां पर प्रश्न में क्या बोला है कि सिद्धांत पर ओम के नियम का स्थापन करें, और यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध की बात भी की हुई है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के पहले हम प्रतिरोध देखेंगे, और प्रतिरोध R का मान क्या हो जाएगा, V बाई I का मान होता है L बटा A, और यहां हो जाएगा एम ई बटा एन ई का वर्ग, और ये हो जाएगा टाउ। अब अगला जो प्रश्न है उसमें जो है हम ये बात बोल सकते हैं कि R का मान होता है L बटा A, और यहां पर है एम ई, और यहां नीचे है एन ई का वर्ग गुणा टाउ। ये चीज जो है हम लोग यहां देख रहे हैं। अब आप बताइए कि हमको पता है विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, R लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं R इस प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, या हम बोल सकते हैं आर बराबर रो। रो क्या है, ये है विशिष्ट प्रतिरोध, और ये जो है एल बाई ए हो जाता है। अब यहां से जो है हम क्या जानकारी निकाल सकते हैं कि अगर हम इसकी तुलना यहां कर दें तो यहां पर भी एल बाई ए, और हमको क्या दिख रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा एन ई का वर्ग और टाउ। तो अब जो है हम यहां पर से जो चीजें कट सकती हैं वो काटने का प्रयास करेंगे। यहां देखिए, यहां से एल बटा ए कट जाता है, यहां से एल बटा ए कट जाता है, और विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या निकलता है, विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान होता है एम ई, एम ई बटा एन ई का वर्ग और शांति काल टाउ। इस तरीके से हम लोगों ने दोबारा पांच अंक के दो अलग अलग प्रश्न है ना भाई, ये एक ही नहीं है, दो अलग अलग प्रश्न है। तो हम लोगों ने इसका तो नियम मतलब ओम के नियम का सत्यापन तो कर ही दिया, इसके साथ साथ हम लोगों ने विशिष्ट प्रतिरोध हेतु सूत्र की स्थापना भी कर दी।
ठीक है। तो ये जो है हमारा एक और 5 अंक का प्रश्न हो गया। इसी तरीके के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके बारे में हम लगातार चर्चा करते रहते हैं और वो हम आपको बताते कैसे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। अब ये हमारा जो चैनल है इसमें जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है, जो भी नया वीडियो आ रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी कैसे मिलेगी, और उसका एक ही उपाय है कि आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले लें। आप जैसे ही हमको सब्सक्राइब करते हैं ये चैनल में, भाई वीडियो लाइक करेंगे तो ज्यादा लोगों को देखने के लिए इसमें उत्सुकता बढ़ेगी, और अगर आप जो है लगातार हमारा वीडियो देखते रहेंगे तो उससे आपको प्रॉफिट ये होगा कि आप लगातार जो है अपने परीक्षा की तैयारी में सुदृढ़ होते जाएंगे। आपने न सिर्फ इस अध्याय से जुड़े हुए थ्योरी प्रश्नों को देखा है बल्कि अब आप जो है इस अध्याय से जुड़े हुए पूर्व प्रश्न पत्रों को भी जो है खंगाल चुके हैं। इसके साथ साथ आंकिक प्रश्नों का नया वीडियो जल्द ही आने वाला है, बिल्कुल तैयार रहें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।